नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दुबट फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ अपना एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टैली के अंदर अपने आइटम का एचएसएन कोड डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम टैली की इनवाइस में उसको प्रिंट करवा सकते हैं। दोस्तों जीएसटी के अंदर अगर आप कोई भी अपना गुड्स क्लियर करते हो, कोई भी इधर से उधर कहीं पर भी सेल इनवाइस काटते हो, तो उसमें आपको अपने गुड्स का एचएसएन कोड प्रिंट करना मैंडेटरी है। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एचएसएन कोड टैली के अंदर अपना डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा यह पूरा चैनल एजुकेशन के वीडियो से ही रिलेटेड है। इसमें सारे के सारे एजुकेशन के वीडियो ही आते हैं, कोई और वीडियो नहीं आते। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए हमारे को क्या करना होगा, हम सबसे पहले जाएंगे अपने आइटम्स के अंदर, जहाँ पे भी हमारे आइटम है हम इन्वेंटरी इन्फो के अंदर जाएंगे, स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों जो भी आपके फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट है तो आप उसे सबसे पहले यहाँ पे, जो भी आपका आइटम है, मैं आपके अपने आपको करेक्ट करना चाहूंगा, फिनिश गुड्स नहीं, आप रॉ मटेरियल भी क्लियर कर सकते हो। तो जो भी आपका आइटम है वो आप यहाँ पे लिखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 4। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आइटम 4 ले रहा हूँ। आप जब किसी भी फैक्ट्री वगैरह में इनवाइसिंग कर रहे होंगे तो आपके सामने तो आपका प्रोडक्ट होगा, आपके सामने उसका सारा नाम भी होगा, आप वो नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ग्रुप अलाउ कर दिया, यूनिट्स अलाउ कर दी, अब जीएसटी को एनेबल कर दिया, यहाँ पे जीएसटी का रेट डिफाइन कर दिया। दोस्तों मैं यहाँ पे जाऊंगा ये देखिए, और यहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट का कोड लिखा, यहाँ ऊपर मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकता हूँ। आपके मैनुअल्स में यह डिस्क्रिप्शन इजीली मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, टैक्सेबिलिटी में इसे टैक्सेबल कर देंगे, अगर आपका गुड्स एग्जेम्प्टेड है तो आप एग्जेम्प्टेड लेंगे, जो आपके गुड्स पे एप्लीकेबल इंटीग्रेटेड टैक्स है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपका आइटम तो क्रिएट हो गया, लेकिन जब हम अपने इसके जब हम अपने इनवाइस काटते हैं, जब भी अपने इनवाइस बनाएंगे तो उस वक्त दिक्कत क्या आती है कि आप इतना करके अगर आप सोचोगे कि आपका ये इनवाइस में के अंदर आइटम कोड, ये जो एचएसएन कोड है वो प्रिंट हो जाएगा, जी नहीं, अभी प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको आपका जो सेल का लेजर है उसमें भी डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सेल्स का लेजर बना हुआ है, टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए मैं उसी को आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूं। लेजर्स में गए, मैंने यहाँ पे सेल का लेजर जो बना रखा है उसको, दोस्तों ऐसे जैसे आपने अगर सेंट्रल सेल कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपना लेजर बना सकते हैं, आप चाहो तो कॉमन भी बना सकते हैं।
जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है आप उसके हिसाब से चल पड़िएगा, आपको दोनों तरीके से सपोर्ट मिलेगी। जीएसटी एप्लीकेबल यस कर दीजिएगा, सेट एंड एंटर जीएसटी डिटेल्स आप इसे यस कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी जो क्लासिफिकेशन है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे करके अपने क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं डिफाइन किया है तो भी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप आगे बढ़िए। एचएसएन कोड और उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने डालना जरूरी। अगर आपका सेल सेंट्रल की ट्रांजेक्शन है तो आप यहाँ पे इंटरस्टेट टैक्सेबल डालेंगे। अगर आपकी ट्रांजेक्शन लोकल की है, लोकल सेल की है, तो आप अपनी ट्रांजेक्शन को इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन डालिएगा, टैरिफ यहाँ पे डालिएगा, नेचर ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लेना है क्योंकि अब आपकी ट्रांजेक्शन जो है इस केस में आपकी लोकल है, इंटरस्टेट के केस में आप इंटरस्टेट सेल्स ट्रांजेक्शन लेंगे, मींस सेंट्रल के केस में, लेकिन लोकल के केस में आप सेल्स टैक्सेबल लेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स 28% और इसके साथ आप आगे बढ़ते जाइए। अब एक इनवाइस लगा के देख लेते हैं, ये देखिए जी अकाउंटिंग इन्वेंटरीज के अंदर मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाल दी है। मेरी इंटरस्टेट की ट्रांजेक्शन है श्री बालाजी, इसके हिसाब से जो आपकी यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स है आप वो यहाँ पे भर सकते हो, और यहाँ पे आपने सेल्स सेंट्रल लेंगे, और क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके सामने जो आइटम बनाया था वो आइटम 4 बना, ये लीजिए जी। बिल्कुल आगे चलते हैं, रेट डाल देते हैं। जब आपकी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स होगी तो आपका आउटपुट IGST एप्लीकेबल होगा। आपकी सेल की इनवॉइस यहाँ पे प्रिंट होती है, अब इसे प्रिंट करते हैं, Alt P किया, ये देखिए दोस्तों मेरा आइटम का नेम यहाँ पे आ गया और मेरा HSN कोड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी आइटम कोड जो HSN कोड है वो मेरा यहाँ पे आ गया, और उसकी टैक्सेबल मीन्स जो जीएसटी की असेसेबल वैल्यू यहाँ पे उसके ऊपर कितना टैक्स है और कितनी आपकी अमाउंट बनी है जीएसटी की वो यहाँ पे आ जाती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम एक लोकल का ट्रांजेक्शन करके देख लेते हैं। ये देखिए जी सेल्स, अब मैंने यहाँ पे लोकल मेरे कैटर्स का एग्जांपल यहाँ पे ले लिए, मैंने लिया सेल लोकल, यहाँ पे जो भी आइटम मैं डालूंगा जब आपकी लोकल ट्रांजेक्शन होगी तो उस वक्त आपके दो टैक्स एप्लीकेबल होंगे, तो दो टैक्स
पहला आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी। यहां पे मैं इसको सेव कर दीजिए, फिर इसका प्रिंट लेके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पे मेरा आइटम और उसका एचएसएन कोड जो भी है वो सारे यहां पे आ गए हैं। मेरी पार्टी का जीएसएन कोड यहां पे आ गया है और ये यहां पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो भी उसके पर एप्लीकेबल टैक्स है सेंट्रल और इसका ये आपका स्टेट का इतना पोर्शन और सेंट्रल का इतना, ये सारी की सारी चीजें यहां पे शो कर दिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।